they can see you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Hello friends, welcome to your Broga channel. तो friends, आज के इस वीडियो में हम details में बात करने वाले हैं Bajaj Discover 125 का जो UG वेरिएंट अभी आ रहा है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बजाज डिस्कवर 125 जो है वो BS6 मॉडल में लॉन्च होगी या नहीं, और अगर होगी तो कब तक होगी, क्या कुछ इसका स्पेसिफिकेशंस रहेगा। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लें, आपके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर होने वाली है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी ऐसी बाइक अपडेट्स वगैरह और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात करना चाहेंगे इस बाइक के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो बाइक है इसका नाम है बजाज डिस्कवर 125 UG। तो ये जो बाइक है फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है। और फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है बजाज अपनी दो बाइक्स को बेच रहा है डिस्कवर सीरीज़ की, बजाज डिस्कवर 125 UG, और दूसरा जो बेच रहा है बजाज वो है बजाज डिस्कवर 125 STR Pro। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छा लुक्स के साथ ये सेल होता है इंटरनेशनल मार्केट में। इसमें बिल्कुल ही न्यू ग्राफिक्स और न्यू कलर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं तो जब बजाज डिस्कवर इंडिया में सेल हो रहा था तो कंपनी ने इसे कुछ भी अपडेट नहीं किया था, बट ये जो मॉडल है ये मतलब प्रोडक्शन जो है इसका ये इंडिया में ही अभी हो रहा है और ये इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल किया जा रहा है। तो अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो आपको इंजन है वो आपको मिल जाएगा इसमें 124cc का इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, 4-stroke एयर कूल DTSI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 12 BHP का और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 11 Nm का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर ही देखने को मिलेगा, इसमें आपको किसी भी तरह का फ्यूल इंजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बजाज जो है वो इंडिया में अपनी बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन नहीं ऑफर करता है 125cc सेगमेंट की बाइक तक में, वो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर ही ऑफर करता है। तो सेम आपको इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि आपको बजाज पल्सर 125 में देखने को मिलता है, बस उससे ट्यूनिंग इसका थोड़ा सा चेंज होगा। और अगर बात करते हैं तो कंपनी फ्रेंड्स इसमें आपको ट्यूबलेस टायर ऑफर कर देगी, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और अगर देखा जाए तो अभी 125cc सेगमेंट में आपको सारी ही बाइक्स में मिल रहा है, तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी मिल जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स आपको टैंक पे एक न्यू काउल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम लगेगा और एक एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करेगा इस बाइक को काफ़ी। मतलब पहले जो था इसमें आपको टैंक जो पतला देखने को मिलता था उसका डिज़ाइनिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा, और इसमें बिल्कुल ही न्यू आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा स्टिकरिंग के साथ ये आने वाला है। अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो है फ्रेंड्स राइडिंग पोस्चर जो है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलता है, और इसका जो सीट का कुशनिंग वगैरह है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और अगर इसकी सस्पेंशन की हम बात करते हैं तो इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाएगा और रियर में आपको शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा आप बोल सकते हैं कि आपको मतलब 125cc सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको शॉकर्स इसमें कंपनी प्रोवाइड करेगी। जैसा कि आप जानते हैं बजाज जो है वो कंफर्ट के लिए जाना जाता है, तो कंफर्ट में आपको किसी भी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके लाइट्स के बारे में, तो इसमें आपको बल्ब में ही आपको देखने को मिलेगा, जो हैलोजन बल्ब है वही देखने को मिलेगा। इसमें आपको LED का कोई भी यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, बस इसमें आपको LED के DRL देखने को मिल जाएंगे, बट इसका जो मेन लाइट है वो आपको बल्ब में ही देखने को मिलेगा। और अगर बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में, तो इसमें फ्रेंड्स आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा 200 mm का, और रियर में आपको 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, जो कि CBS के साथ आएगा, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और अगर बात कर लेते हैं इसकी माइलेज के बारे में, तो ये जो बाइक है फ्रेंड्स ये आपको मतलब लगभग में आपको 65-70 तक का माइलेज ऑफर कर देगा, जो कि काफ़ी आप जानते हैं कि डिस्कवर जो है अपनी माइलेज के लिए ही जाना जाता था, बट इसका मतलब इंडिया में उतना सेल्स फिगर नहीं था और इसका डिमांड उतना नहीं था, कंपनी ने इसीलिए इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसका जो मीटर कंसोल है वो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगेगा देखने में, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो काफ़ी प्रीमियम ये अपील प्रोवाइड करेगा बाइक को, मतलब इसमें आपको एनालॉग सिर्फ नहीं मिलेगा, एनालॉग प्लस डिजिटल जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो अब बात कर लेते हैं कि ये बाइक लॉन्च कब तक होगी। तो फ्रेंड्स कंपनी ने अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं किया है इस बाइक को लेकर, बट अभी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स निकल के आ रहा है कि आपको ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं तो जिस हिसाब से भी कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपनी इसे इंडिया में लॉन्च भी कर सकती है। अगर बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की, तो ये 2021 के मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बजाज जो है वो फ्रेंड्स अपनी बाइक को डायरेक्टली लॉन्च कर देता है, किसी भी तरह का कोई लॉन्च इवेंट नहीं करता है। तो उसी तरह फ्रेंड्स आपको ये भी बाइक इंडिया में देखने को मिल सकती है। और अगर बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की, तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो फ्रेंड्स आपको 70,000 से लेकर 73,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप बोल सकते हैं कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो ये था फ्रेंड्स इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स। होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होंगी वो क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से मैसेज कर सकते हैं आप, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, और आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी आपकी बाइक अपडेट्स वगैरह मिस ना हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।